आपको अवकलन के सूत्र बताएंगे। प्रथम सिद्धांत से अवकलन का सूत्र, जैसे कोई फंक्शन है y इक्वल टू एक्स की पावर n, तो इसमें x के स्थान पर x प्लस h रख देते हैं, तो फंक्शन हमारा ये बन जाता है x प्लस h की होल पावर n। अब सूत्र लिखते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 f x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन एच। अवकलन एक्स की पावर एन का पहला सूत्र है डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर एन का अवकलन होता है एन एक्स एन माइनस वन। जो ये पावर होती है वो आगे आ जाती है, इसी पावर में से एक कम हो जाता है। नेक्स्ट फार्मूला है डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स, इसका अवकलन वन अपॉन एक्स हो जाता है। तीसरा फार्मूला डी अपॉन डी एक्स वन अपॉन एक्स, इसका अवकलन हो जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। चौथा फार्मूला होता है डी अपॉन डी एक्स ए की पावर एक्स, इसका अवकलन ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए। पांचवा फार्मूला होता है डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स, इसका अवकलन ई की पावर एक्स ही होता है। छठवां फार्मूला डी अपॉन डी एक्स अंडर रूट एक्स, इसका अवकलन वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स। साइन एक्स का अवकलन डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स जो होता है कॉज एक्स हो जाता है। दूसरा फार्मूला होता है डी अपॉन डी एक्स कॉज एक्स, इसमें सिर्फ ये करना है इसका उल्टा हो जाएगा साइन एक्स, बस आगे माइनस का साइन लगा देते हैं। तीसरा फार्मूला डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स, इसका सूत्र होता है सेक स्क्वायर एक्स। चौथा फार्मूला डी अपॉन डी एक्स कॉट एक्स, ये होता है माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स। पांचवा डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स, इसका फॉर्मूला सेक एक्स इंटू टेन एक्स। छठवां फॉर्मूला डी अपॉन डी एक्स कॉसिक एक्स, ये माइनस कॉसिक एक्स इंटू कॉट एक्स हो जाता है। पहला फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स का, डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला डी अपॉन डी एक्स कॉज इनवर्स एक्स, इसमें हम क्या करते हैं माइनस लगा दो, सेम साइन का फॉर्मूला उतारना है अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स,
ये फॉर्मूला बनता है हमारा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। चौथा फॉर्मूला होता है डी अपॉन डी एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स। इसका क्या करते हैं हम इसमें कि माइनस का साइन लगाओ और टेन इनवर्स एक्स का ज्यों का त्यों फार्मूला उतार दो, वन प्लस एक्स स्क्वायर। पांचवा फार्मूला डी अपॉन डी एक्स सेक इनवर्स एक्स। ये फार्मूला होता है वन अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। छठवां फार्मूला होता है डी अपॉन डी एक्स कोसिक इनवर्स एक्स। इसमें क्या करते हैं हम माइनस का साइन लगाओ और ज्यों का त्यों सेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला रख दो, आपका कोसिक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला बन जाएगा वन अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। दो फलनों के गुणनफल का अवकलन। जैसे कोई फलन दिया गया है हमें वाई बराबर यू इंटू वी, तो हम इसका अवकलन कैसे करते हैं? जो ये पहला फंक्शन होता है और दूसरा फंक्शन होता है, इसे हम पहला और दूसरा मान लेते हैं। पहले फंक्शन को हम ज्यों का त्यों रखते हैं, कैसे u इंटू दूसरे का अवकलन कर देते हैं d अपॉन डी एक्स वी, प्लस का चिन्ह लगाया। दूसरा फलन ज्यों का त्यों रखते हैं, पहले का अवकलन कर देते हैं d अपॉन डी एक्स यू। दूसरा फार्मूला होता है दो फलनों के भागफल का अवकलन। जैसे हमें कोई फलन दिया गया है वाई बराबर यू अपॉन वी, तो इसका अवकलन कैसे करते हैं हम डी वाई अपॉन डी एक्स हर को ज्यों का त्यों रखते हैं इंटू अंश का अवकलन। माइनस अंश इंटू हर का अवकलन अपॉन हर का वर्ग। इसे दूसरी भाषा में कैसे लिख सकते हैं v इंटू डी अपॉन डी एक्स वी सॉरी u माइनस यू इंटू डी अपॉन डी एक्स वी अपॉन हर का वर्ग, कर दो वी का स्क्वायर।